तो दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो कि मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी वीक है, जिसमें टू डिजिट को सिंगल डिजिट के साथ जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है। प्लस वो जो 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 स्टूडेंट है जो टेबल में प्रॉब्लम रहती है, उनको भी टेबल लर्न नहीं होते या उनकी मल्टीप्लिकेशन अपने माइंड में नहीं कर पाते टेबल की, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करें उस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में, ट्रिक के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहा हूँ। जैसे हम टेबल में करते हैं, जैसे 14 6 का अगर इसको किसी नॉर्मल स्टूडेंट को पूछा जाए तो काफ़ी टाइम लगा देगा उसको मल्टीपल करने में, लेकिन अगर हम इसको सिंपल मेथड में करें और उस ट्रिकी मेथड में करें तो हम इसको ईजिली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं देखिए, जैसे अभी मैंने इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन की 14 × 6 सिंपल, तो क्या आएगा 6 × 4 = 24, 24 × 4 टू कैरी, 6 × 1 = 6 + 2 कितना 84, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब इसको कुछ ट्रिकी मेथड में करके दिखाते हैं। जैसे मैंने 14 को टेंस फॉर्म में और वंस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, 14 और 4 × 6, ठीक है। 6 × 10 का कितना 60, 6 × 4 + 24, 60 और 20 कितने होते हैं 80, 80 और + 4 कितने होते हैं 84, यानी कि 84। तो ये सेम आंसर आ जाएगा ना जी, 84 है ना। इजी मेथड, आपको और भी काफ़ी मल्टीपल करके दिखाऊंगा जिसकी हेल्प से आप जो है अपने माइंड में मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी टेबल है उसको इजीली जो है लिख सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं इजीली। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 14 7 का क्या होता है, 15 6 का क्या होता है, या 19 8 का क्या होता है, तो आप उसको इजीली जो है अपने टीचर को बता सकते हैं। अपने जो आपका गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें जो मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आपकी हेल्पफुल रहेगी, आप उसको माइंड में इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे काफ़ी सामग्री करके दिखा रहा हूँ आपको। ऐसे भी नॉर्मली हम बात करें 98 × 7, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, 7 6 का कितना होता है, ठीक है, 7 6 का 56, ठीक है, उसका 5 करी, 7 9 का 63 और +5, 63 + 68 कितना आंसर आया 68 66, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में। अभी इसको उसी ट्रिक से करके देखते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, आप उसको माइंड में करके देखिए। 90 + 8, ठीक है, × 7, 7 9 का 63, 630, 7 8 का 56, 30 और 50 कितने होते हैं 80, यानी कि 680 + 6 कितना 686, ठीक है, कितना 686। आप प्लस को भी कैसे करना है आपको, 30 और 50, यानी कि इसका भी ट्रांसफॉर्म कर लिए, 50 + 6 56 होता है, 30 और 50 80, जो 600 है, 600 में 80 किए 680 प्लस जो लास्ट 6 बचा तो कितना बन गया 686, ठीक है जी। आगे हम कुछ और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, काफ़ी डिफिकल्ट रहते हैं, आप उसको माइंड में कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट को पूछा जाए 17 7 का, तो काफ़ी कंफ्यूज रहेगा, अगर इसको सिंपल में करेगा तो काफ़ी टाइम लगता है। जैसे अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 7 7 का 49, 9 4 कैरी, 7 1 का 7, 7 + 4 कितना होता है 11, यानी कि 119। अब इसको माइंड में उसी मेथड से करके देखिए, आप खुद भी करके देखिए। 7 10 का 70, 7 7 का 49, 70 + 40 कितना होता है 110, ठीक है, तो प्लस ये कितना आ जाएगा 9, कितना है 119, ठीक है जी, सेम आ रहे हैं ना, बिल्कुल। अभी कुछ और करके देखते हैं, 23 को 8 के साथ करके देखिए, 83 का कितना होता है 24, 4 2 कैरी, 82 का 16, 16 + 2 18, 184, ठीक है जी। अब इसको ट्रिक में करके देखते हैं, 23 × 8, ठीक है जी, 82 का 16 यानी कि 160 आ गया, प्लस 83 का 24, अब 60 + 20 कितने होते हैं 80, यानी कि 100 तो पहले ही 160, ठीक है, यानी कि 160 + 20 180 + 4 184। आप इसको माइंड में करके देखिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और इस तरीके से आप इजीली कर दोगे, ठीक है। बाकी सभी ट्रिक इसके आगे फेल हैं। वीडियो को जितना हो सके उतना प्लीज़ शेयर जरूर करती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। अभी एक और सम करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए 49 × 6,
अगर सिंपल करना हो तो काफ़ी टाइम लगेगा, अगर माइंड में भी आपको टीचर बोल दे ऑलरेडी आप करके मल्टीप्लाई बताओ कितना आएगा, आप कैसे करोगे, 69 का 54, 5 कैरी, 64 कितना होता है 24, 24 प्लस 5 कितना होता है 29, ठीक है जी, सही है। आप इसको ट्रिक में कैसे करोगे, आप 49 मल्टीपल 6 ये कितना आएगा, 24 प्लस 69 का कितना होता है, 69 का कितना होता है 54। आप क्या करोगे, 240 तो है, 40 और 50 कितना होता है 90, 90 और 200, 290, 290 प्लस 4 294 आ गया ना जी, बिल्कुल सही आया ना, है ना इजी ट्रिक। प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एक और सिंपल ट्रिक, जो 25 का स्केयर, 35 का स्केयर, 45 का स्केयर, या आप कह लीजिए सिर्फ 55 को छोड़ के 65, उसमें भी काफ़ी ट्रिक आ रही है और 2 डिजिट वाली है, ठीक है, वो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए 25 का स्केयर है, यानी कि 25 मल्टीपल 25, सभी का मालूम है 625 है, लेकिन इसका सिंपल ट्रिक आप एक ही सेकंड में कर सकते हो, क्या है, ठीक है, सभी में मालूम है 25 तो आएगा, ये 25 एज इट इज़ लिख लीजिए। अब क्या है, 2 है, 2 लिख लिया, मल्टीपल एक डिजिट इसका अगला 3, यानी कि 2 का अगर 3 आता है, 3 2 का कितना आता है 6, यानी कि 625। आप इसको 35 में आजमा के भी देख सकते हो, मैं आपको एक सम करके भी दिखाऊंगा, आप 45 करके देख लीजिए, जैसे 35 है स्क्वेयर है, 35 मल्टीपल 35, इसको ट्रिक में कैसे करेंगे, इसका 25 आ गया, 3 मल्टीपल इसका नेक्स्ट डिजिट 4, 3 4 12, यानी कि 12 2 5। आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एज इट इज़ ही आंसर आएगा, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप इस ट्रिक की हेल्प से कुछ भी कर सकते हो, जिसमें 25 35 45 65 75 85 95 के टेबल आते हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ट्रिक है। अभी आपको जिसमें पहले जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहा था वैसे ही कुछ करके दिखा रहा, जैसे बच्चे काफ़ी बोलते हैं हमको 12 से ज़्यादा का टेबल नहीं आते हैं, तो आप इसकी हेल्प से जितने भी टेबल है वो इजीली कर सकते हैं, 13 का टेबल, 14 का 15 का 16 का 17 का, कोई भी टेबल हो जो 2 डिजिट वाला हो उसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको कुछ और करके दिखा रहा हूँ, जैसे 17 का 17 8 का, ठीक है, सीधे ट्रिक से करके देखते हैं, ठीक है, 8 10 का 80, ठीक है, और कितना 56, 7 8 का 56, 80 प्लस 50 कितना होगा, 80 प्लस 50 कितना होगा 130, 130 प्लस 6 कितना होगा 136, ठीक है ना, सही है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल वे में करके देखेंगे, 7 8 का 56 6 5 कैरी, 8 1 का 8, 8 प्लस 3 5 कितना होता है 136, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, और जो हमने ट्रिक बताई इसमें क्या डिफरेंस है, जो ट्रिक वाला मेथड है उसमें आप माइंड में कर सकते हैं, आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। आप प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना हो सके उस वीडियो को शेयर कर दें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये मल्टीप्लिकेशन के मेथड में। ठीक है, अब एक और सम करता हूँ, जैसे 27 मल्टीपल 8, ट्रिक ट्रिक से 8 2 का 16 160, 7 8 का 56 प्लस क्या करना है, 100 तो है ही, 160 के आगे 100 के आगे 60 लगा, 60 प्लस 50 कितना होता है, 60 में अगर 50 ऐड करें तो कितना रहेगा, ये रहेगा 110, और 100 पहले ही, यानी कि 210 प्लस 6 कितना हो गया 216, सही है जी। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, 7 8 का 56 6 5 करी, 8 2 का 16 16 प्लस 5 16 प्लस 5 कितना होता है 21, लो जी आ गया। ट्रिक की हेल्प से और इसकी हेल्प से क्या फ़र्क है, आप इसमें एक सिंपल अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप आके आपका सोल्यूशन आएगा, आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर आप इस मेथड से करोगे जो आपको ट्रिक मैंने बताई है, तो उसकी हेल्प से आप अपने माइंड में ही जो ये सारे सम है वो इजीली कर सकते हो, ये जादू है ये 2 डिजिट मल्टीक्वेशन का। सो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है जी। जैसे अभी आपको मैं एक और मल्टीप्लिकेशन का करके दिखा रहा हूँ सम,
78 मल्टीप्लिकेशन 8, ठीक है, ट्रिक की हेल्प से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 78 का कितना होता है 56, 50, 88 का कितना होता है 64, सही है जी, ठीक है। अब 6 और 6 12, यानी कि 120, 500 पहले ही है, 120 कितना हो गया, 620, 620 प्लस 4 कितना हो गया 624। आप सिंपल मेथड में कैसे कर देंगे, 88 का 64 का 4, 6 कैरी, 78 का 56, 56 प्लस 6 कितना होता है जी 62, 64 आ गया। लेकिन अगर आप वही ट्रिक की हेल्प से करोगे तो आप अपने माइंड में इजीली कर सकते हो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत कभी भी नहीं रहेगी, आपके लिए जो भी टेबल है वो सभी आसान रह जाएंगे। आप अगर कोई फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट है, उसको अगर कोई 23 का टेबल बोलेगा, 27 का, 35 का, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। इसे भी 35 है, 35 वेट का। बच्चे क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन अगर इसको माइंड में करके देखें, क्या करेंगे, इसको टेंस फॉर्म में और मंथ फॉर्म में कर लें। 83 का 24 यानी कि 240, 58 का 40, 40 40 80 होते हैं, यानी कि 200 में 80, 280। लो जी, इससे ज़्यादा इजी और क्या हो सकता है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इसको थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको इजीली ये मल्टीप्लिकेशन आनी लग जाएगी, ठीक है जी। तो दोस्तों इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, ठीक है। चलो आपके लिए एक दो वीडियो क्वेश्चन और मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कहीं कुछ और सम करके दिखा रहा हूँ, ऐसे 98 मल्टीप्लाई 5, सॉरी दोस्तों, अब क्या करें, 90 ओ को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को, 59 का 45, 450, 58 का 40, ठीक है, 50 और 5 और 4 कितने थे 9, यानी कि 90, 400 में 90 प्लस किए 490। इजी है ना ये मेथड, क्या चाहिए आपको, टू डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लिकेशन का ये सबसे बढ़िया फार्मूला, सबसे बढ़िया ट्रिक है, सभी बच्चों के लिए ये एक रामबाण का काम करेगा। अभी आपको इसके लिए करना क्या है दोस्तों, मेरे इस वीडियो को जितना से उतना शेयर कर दी ताकि सभी स्टूडेंट तक ये पहुंच सके, सभी इस ट्रिक को सीख सके, उनकी हेल्प हो सके। एक मैं आपको फिर से बेसिक से करके दिखा रहा हूँ, 63 मल्टीप्लाई 5, सिंपल सिंपल मेथड से, पहले 53 का 15, 1 कैरी, 65 का 30 यानी कि 31, ठीक है जी। आप ट्रिक की हेल्प से 60 और 3 मल्टीपल 5, 65 का 30 यानी कि 300, 53 का 15 यानी कि 15, ऊपर करके दिखा रहा हूँ, 300 आया और 15, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, 315 इसका आंसर है, ठीक है। इससे इजी और क्या हो सकता है, इस ट्रिक से इजी, ठीक है, कि आप अपने माइंड में कर सकते हो। 74 मल्टीपल 6, अभी आप सभी कमेंट में करके बताइए, बताइए ये सही है, आपको माइंड में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए 7 6 7 का कितना होता है, 6 7 का 42, 420, 6 4 24, ठीक है, 20 और 20 40, 400 है, 440 प्लस 4, 444। सिंपल ट्रिक से करके देख ली तभी इतना आएगा, 64 का 24, 42, 67 का 42, 42 प्लस 2, 44। लो जी हो गया। एक आप बेसिक ट्रिक बेसिक मेथड कर रहे हो, एक ट्रिक से कर रहे हो, जिसकी हेल्प से आप अपने माइंड में जो जितनी भी ये ज़बरदस्त सम है आप अपने माइंड में कर सकते हो। अब दोस्तों आपको करना क्या है, मेरे इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसा ही काफ़ी अच्छी ट्रिक
जो आपके लिए हेल्पफुल है, स्कूल लाइफ से लेकर आपके गवर्नमेंट एग्जाम तक के लिए आपके हेल्प करते रहिए। आप बड़े से बड़े जो मल्टी क्वेश्चन है उसको इजीली कर सकते हो अपने माइंड में। उसके लिए मैं आपको नए से नए वीडियो लेके आता रहूँगा, प्लस आपके लिए जो क्वेश्चन की सोल्यूशन है वो लेके आता रहूँगा। उसके लिए आपको करना होगा मेरे इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना होगा, और जो हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। अभी आपको दोस्तों मैं कोई और सम नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि ठीक है वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, ठीक है। तो आपको अभी करना क्या होगा, मेरे इस वीडियो को जितना शेयर करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।